हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 24th लेकर आई हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को फैमिली तथा फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मेरा एक और भी चैनल है फ्रेंड, GKGS क्वीन 2.0 के नाम से, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है। देखिए, यहाँ से ज्वारभाटा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब समझिए कि एक्चुअली में ज्वारभाटा कहते किसे हैं। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा है, ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा की एट्रैक्शन पावर की वजह से समुद्र का जो जल होता है ना फ्रेंड, वो ऊपर नीचे उठने लगता है या फिर नीचे गिरने लगता है। तो वैसा सिचुएशन जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उस केस में ज्वार कहते हैं, और वैसा सिचुएशन जब समुद्र का जो स्तर होता है, जो जल रहता है, वो नीचे गिरने लगता है तो उसे भाटा कहा जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ज्वार एंड व्हाट इज भाटा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल की वजह से अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ज्वार भाटा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे दीर्घ ज्वार भाटा, दीर्घ को ही उच्च ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है, लघु ज्वार भाटा, दैनिक, अर्ध दैनिक, मिश्रित, अयन वृत्तीय और विषुवतीय रेखीय ज्वार भाटा। तो इतना प्रकार है यानी टाइप्स है ज्वार भाटा का, और ज्वार और भाटा में डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ कि बृहत ज्वार आता है। देखिए, अभी मैंने बताई ना कि बृहत ज्वार को ही दीर्घ ज्वार यानी बड़ा समझ लीजिए कि बृहत ज्वार क्यों आता है। तो देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, एक सीधी रेखा में सूर्य, पृथ्वी यानी अर्थ और चंद्रमा जब एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो उसी कंडीशन में बृहत ज्वार उत्पन्न होते हैं समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चंद्रमा से। कैसे होती है महासागर में ऊंची जल तरंगें? तो चंद्रमा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? तो चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त जो है ना, जिसे दूसरे नाम से मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त भी कहते हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट यानी गहरा समुद्री गर्त है। ये जो मैरियाना गर्त यानी चैलेंजर गर्त है वो प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप के साइज में यानी चाप के आकार में फैला हुआ है। कौन क्या? तो चैलेंजर गर्त यानी जिसे मैरियाना गर्त भी कहा जाता है। तो बढ़ रहे हैं फिफ्थ की तरफ कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना यानी परिखा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया के दृष्टिकोण से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अमेजन नदी जो है ना, वो मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। किसके दृष्टिकोण से? तो अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से। और अगर इसकी लेंथ यानी लंबाई की बात करें अमेजन नदी की, तो तकरीबन 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक इसका लंबाई है। बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि लंबाई जो है वो हर जगह हर मतलब कि बुक में अलग अलग दिया हुआ है, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। सेवेंथ नंबर है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमेजन नदी। नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चाड नामक देश जो है वो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सालवीन नदी। 11th नंबर, सर और आमू नदियां गिरती हैं
अराल सागर में। कहाँ गिरती हैं? सर और आमू नामक नदियाँ तो अराल सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नीपर और डेन्यूब। ये दोनों नदी जो है ना वो मतलब कि ब्लैक सागर जो है काला सागर उसमें जाकर गिरती है, नीपर और डेन्यूब। 13 नंबर है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो यह कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी, ठीक है। और वोल्गा नदी कहाँ सिचुएटेड है, तो यूरोप में है स्थित वोल्गा नदी। चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और अगर राइन नदी की बात करें तो ये जो नदी है राइन नामक नदी, ये यूरोप के कई देशों से होकर बहती है राइन। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, तो नाइजर नदी। ये एशिया से रिलेटेड नहीं है, नाइजर नदी जो है ना फ्रेंड वो पश्चिम अफ्रीका की एक नदी है। और जो मतलब कि नील नदी और कांगो नदी है, ये दोनों नदियाँ के बाद जो नाइजर नदी है वो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नील और कांगो के बाद नाइजर नामक नदी पश्चिम अफ्रीका में सिचुएटेड है, जो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिम्पोपो नामक नदी जो है अफ्रीका में सिचुएटेड है, वो मकर रेखा को दो बार काट रही है। 17th नंबर, वह देश जो अरिय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, श्रीलंका में। 18, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है, तो मलेशिया में यह मेकांग नहीं बह रही, जबकि चीन, कंबोडिया तथा लाओस में मेकांग नदी बहती है। चलिए 19th नंबर है कि टाइबर नदी किस नगर से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रोम से होकर, रोम नामक जो शहर है उससे होकर टाइबर नदी बहती है। 20 है कि उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है। सीन नदी, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस वो सीन नामक नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है, तो काहिरा नामक जो राजधानी है ना फ्रेंड वो डेन्यूब नदी पर सिचुएटेड नहीं है। तो कौन सी नदी पर सिचुएटेड है काहिरा, तो ये नील नदी पर सिचुएटेड है काहिरा नामक नदी, नील पर। चलिए बढ़ रहे 22 की तरफ की निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, संघाई, जो चीन का एक शहर है संघाई, वहाँ से हुआंगपू नदी बहती है। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए हुआंगपू नदी की, तो तकरीबन 113 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू मैं बतला रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि कहीं पर भी एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, अप्रॉक्सीमेट ही है कि 130 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जहाँ पर गहरा समुद्र नहीं होता है वहाँ पर डेल्टा बनती है। अब देखिए ये डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा ऐसे भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों का संचयन से डेल्टा बनते हैं, तो उसी को डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा की अगर शेप की बात करें तो ये ट्राइंगुलर आकार की रहती है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बना रहा है उसका नाम क्या है, तो उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं या फिर बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि ग्रैंड कैनियन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक खड है ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट 26, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में ये जो ग्रीनलैंड नामक द्वीप है वो सिचुएटेड है। 27 है कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, सबसे पहले तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बाद जो सेकंड पोजीशन पर है उस द्वीप का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा, उस द्वीप का नाम न्यू गिनी है। पहला ग्रीनलैंड है और दूसरा न्यू गिनी है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीन देशों में विभाजित है। अब देखिए आप यहाँ पर इसका ऑप्शन 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोर्नियो।
नेक्स्ट 29, काली मंथन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 30, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में ना मेडागास्कर जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ये पार्टिकुलर हिंद महासागर की बात की जा रही है कि मेडागास्कर पहला नंबर पर है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये मेडागास्कर नामक द्वीप जो आ जाता है वो फोर्थ पोजीशन पर आ जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। और ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है मेडागास्कर द्वीप। तो चलिए बढ़ रहे हैं 31 की तरफ कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मॉरिशस। 32, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलिनेशिय द्वीप समूह में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सोलोमन द्वीप। 32 का ए यानी सोलोमन द्वीप करेक्ट होगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और उत्तर पूर्वी के कई द्वीप इसमें शामिल हैं, जो सोलोमन द्वीप है ना फ्रेंड, इसमें ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बहुत सारे द्वीप इसमें शामिल हैं। और कौन कौन से द्वीप शामिल हैं इसमें, तो मैं बता दूं कि न्यू गिनी, फिजी, सोलोमन द्वीप समूह, वानुअतु एटसेट्रा इसमें शामिल होते हैं मेलानेशिया द्वीप में, ठीक है। तो बाकी सबका तो एक ऑप्शन नहीं था, बट सोलोमन द्वीप का था तो वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 33 है कि डियागो गार्शिया कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्शिया, ठीक है। और देखिए जैसे भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद सागर, हिंद महासागर में 7 डिग्री 26 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर ये डियागो गार्शिया सिचुएटेड है। यहाँ पर तो सिर्फ एक छोटा सा दे दिया कि ये हिंद महासागर में, बट मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप नोट डाउन कीजिए कि ये डियागो गार्शिया जो है ना वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में 7 डिग्री 26 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर सिचुएटेड है। 34, फिजी द्वीप अब स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट, प्रशांत महासागर में है फिजी द्वीप। नेक्स्ट, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, तो बताइए 35 का करेक्ट आंसर, तो जो होन्सू द्वीप है ना डी नंबर, वो सबसे बड़ा विशालतम द्वीप है जापान का। नेक्स्ट, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ, 1999 यानी 1999 में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 37, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बताइए बलियारिक द्वीप समूह कहाँ है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट, किस नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप स्थित है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर जो 38 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली, नोट कर लीजिए उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। और ये कहाँ पर, मतलब कि इंडिया के कौन से स्टेट में है, तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ रहे हैं 40 की तरफ कि निम्न में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बियर। बियर जो है वो ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है, जबकि सुपीरियर, मिशिगन तथा ह्यूरोन ये सब पार्ट हैं ग्रेट लेक्स के। नेक्स्ट 41 है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लेक सुपीरियर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की मतलब ताजे पानी की जो झील कहलाती है लेक सुपीरियर, ठीक है। और ये जो लेक सुपीरियर है ना वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, नोट कर लीजिए कि लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है, तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है लेक सुपीरियर झील। और अगर इसकी मतलब कि एरिया की बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग ना ये ना मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरा स्थान पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और ताजे पानी की तो ये सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी के अकॉर्डिंग ये पहला स्थान पर है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो लेक सुपीरियर नामक जो झील है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरा पोजीशन कंटेन कर रहा है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 42 की तरफ, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लेक बैकाल। बैकाल झील जो है वो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ रहा है और ये मतलब कि सबसे डीपेस्ट लेक है ऑल ओवर वर्ल्ड का। 43 है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैस्पियन सागर। अगर एरिया और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो कैस्पियन सागर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रसिद्ध
अंगुलियों नुमा यानी फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट 45, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, साल्टो एंजल। एंजल नामक जो जलप्रपात है ना, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट में वैल्यू में बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, 979 मीटर इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेट में। नेक्स्ट 46 है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जाम्बेजी नदी से। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ से सिचुएटेड है? तो अफ्रीका में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 47 की तरफ, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? देखिए यहाँ से जल डमरू मंदिर से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं प्रीवियस सेट में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वाट इज जल डमरू मंदिर, तो वहाँ पर जाइए तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर नामक जल संधि जो है ना, वो मतलब कि यूरोप और अफ्रीका से को एक दूसरे से अलग कर रहा है। 48 है कि हार्मुज जल संधि पाई जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीचों बीच जो है वो हार्मुज जल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है उसका नाम बताओ? इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रहा है। 49 का ए सही होगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बेरिंग जल डमरू मध्य। 51 है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है यानी अलग करता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, डोवर जल डमरू मध्य, 52 का सी होगा। तो बढ़ रहे हैं 53 की तरफ, डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। 54 है कि पाक खाड़ी किनके बीच है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच पाक खाड़ी सिचुएटेड है। 55, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 55 का। तो चलिए बढ़ रहे हैं 56 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओमान। नेक्स्ट 57, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाब अल मंदेब नामक जल संधि जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट 58, स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल जो है वो किनको जोड़ती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है और ये मिस्र नामक देश में स्थित है स्वेज नहर। और स्वेज नहर की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल नहर यानी कृत्रिम नहर है, इसका जो निर्माण है ना वो ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा नहीं किया गया, ये मानव ने किया है स्वेज नहर का निर्माण, इंसानों ने। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पोर्ट शहीद तथा स्वेज, पतन मतलब बंदरगाह होता है। 62 है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्वेज नहर। नेक्स्ट, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्वेज। नेक्स्ट 62, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। 63, सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को। ऑप्शन डी इज करेक्ट 63 का। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं? ऑप्शन ए यानी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है? तो कील नहर कर रही है। 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचालन जल पास यानी लॉक पद्धति द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्वेज नहर। नेक्स्ट 66, यहाँ से बांध से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है?
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यह ब्राजील तथा पराग्वे देश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट 67, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जियाओझू खाड़ी पर, है ना, दुनिया का जो सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, तो जियाओझू खाड़ी पर बनाया गया है, ठीक है। और उस सेतु का नाम क्या है, तो वो आप नोट कर लीजिए, उस सेतु का नाम है चिंगदाओ हाइवान सेतु, ठीक है, जो पूर्वी चीन के सांदोक प्रांत में स्थित है। और उस सेतु का नाम है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, चिंगदाओ हाइवान सेतु। 68 है कि आशवान उच्च बांध स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मिस्र में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, यहाँ से प्रवाल भित्ति, जिसे इंग्लिश में कोरल रीफ भी कहा जाता है, वो आ रहा है। अब देखिए प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ एक्चुअली में होता क्या है, तो समुद्र के जो भीतर जो स्थान, मतलब जो चट्टान सिचुएटेड होते हैं, फ्रेंड आप लोगों को पता ही होगा कि समुद्र के भीतर छोटे बड़े बहुत सारे चट्टान होते हैं, तो उस चट्टान, है ना, समुद्र के भीतर स्थित मतलब प्रवाल भित्ति वैसा चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बनती है, उसे ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए कि व्हाट इज प्रवाल भित्ति, या फिर इंग्लिश में जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। तो समुद्र के भीतर स्थित एक ऐसा चट्टान है प्रवाल भित्ति, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट जिसे जिसका फॉर्मूला है CaCO3 उससे बनती है, तो उसे कोई कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो 79 क्वेश्चन है कि कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट 71, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट, क्वींसलैंड, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है क्वींसलैंड, उसी के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है ये ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं 72 की तरफ कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 73, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है यानी परसेंटेज है, तो ऑप्शन बी करेक्ट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 78.03% है, सबसे ज़्यादा 78.03% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा, आप नोट करते चलिए, मैं बोल रही हूँ, ऑक्सीजन है 20.99%, आर्गन है 0.932%, और आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ये चार गैस है जो परसेंटेज के हिसाब से मैं बतला दी, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन 78.03%, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 20.99%, ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.932%, और आर्गन के बाद चौथा स्थान पर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है, तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल तथा आयन मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है, और ये सबसे निचली परत है पृथ्वी की, सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर फिर आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, तब मेसोस्फेयर और फिर आयनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है, तो चलिए 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, यानी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं इंग्लिश में क्षोभ मंडल को, तो बढ़ रहे हैं 76 की तरफ, ओजोन परत अब स्थित है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, भूतल पर अल्ट्रावायलेट रेज जो रहता है ना उसको रोकना, आने से रोकना। नेक्स्ट 78, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 15 से 20 किलोमीटर तकरीबन। नेक्स्ट 79, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है,
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आयन मंडल, जिसको इंग्लिश में आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ना, वहाँ पर फ्लाइट यानी एरोप्लेन वगैरह को हम लोग उड़ा सकते हैं। क्यों आदर्श मानी जाती है? क्योंकि यह मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहती, वहाँ पर जो मौसम से रिलेटेड जो भी घटना घटती वो काफ़ी मतलब कि लेस अमाउंट में काफ़ी कम होती है, इसलिए समताप मंडल में विमान को उड़ाया जाता है। 81 है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। 82, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बर्हिम मंडल को भी बाह्य मंडल कहते हैं, और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसे बर्हिम मंडल या बाह्य मंडल कहा जाता है, तथा इसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं बाह्य मंडल यानी बर्हिम मंडल में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 83 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नवपात हिमश्रे आच्छादित भूमि। नेक्स्ट 84, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 85, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विकिरण यानी रेडिएशन की वजह से। नेक्स्ट 86, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैरेबियन सागर में उठते हैं टोर्नेडो। अब देखिए कि चक्रवात कहते किसे हैं, तो कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी चलती है ना, उसी को ही चक्रवात कहा जाता है। तो बढ़ रहे हैं 87 की तरफ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मिसिसिपी मैदान को। 88, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टोर्नेडो से संबंधित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी यूएसए को। अब देखिए मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बतला दूं कि चक्रवात तूफान जो उठते हैं, और वो चक्रवात है क्या, मैं डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को बतला चुकी हूँ अभी जस्ट। तो मतलब कि हर जगह पर ना मतलब कि चक्रवात का अलग अलग मीनिंग वहाँ के लोग मतलब कि रख देते हैं। जैसे अगर वेस्ट इंडीज का जो चक्रवात है उसे हरिकेन नाम से जाना जाता है, ठीक है, और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो चक्रवात है उसे टोर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसे विली विली कहा जाता है, तथा चीन सागर और फिलीपींस जैसे क्षेत्रों में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 89 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फुजीटा स्केल। नेक्स्ट 90, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चीन से। मैं अभी जस्ट बताई कि चीन सागर और फिलीपींस में जो चक्रवात आते हैं उसको टाइफून कहा जाता है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 91 की तरफ कि विली विली क्या है। मैं बता चुकी हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली कहा जाता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देख लीजिए, बाकी ऑप्शन इधर है 91 का, और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही विली विली कहते हैं, तो 91 का सी सही होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 92 की तरफ कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तूफान का। अब देखिए बैरोमीटर जो होता है अगर उसका जो मतलब कि पारा होता है वो अचानक से गिर जाएगा ना, तो आप लोगों को मतलब कि पता चल जाएगा कि तूफान आने वाला है। तो चलिए बढ़ रहे 93 की तरफ कि निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को इफेक्ट यानी प्रभावित नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर बी नरगिस ने, जबकि अयला थाने तथा नीलम ने भारत को इफेक्ट किया है, नरगिस ने नहीं किया है। नेक्स्ट 94, ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा यानी ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उमस वाला यानी मगी होता है। नेक्स्ट 95, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 30 डिग्री अक्षांश को। 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वर्षा स्तरी बादल। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 97 की तरफ कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं
ऑप्शन नंबर डी यानी पछाव स्तरी। नेक्स्ट 98, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, जाड़े का यानी ठंडे का जो तापमान टेम्परेचर रहता है ना वो बढ़ जाता है चिनुक हवाओं की वजह से। और चिनुक जो पर्टिकुलर वर्ड है, चिनुक मतलब होता है हिम खाने वाला यानी बर्फ खाने वाला, को ही चिनुक कहा जाता है। तो चूंकि ये बर्फ खा लेता है तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, गर्मी आ जाती है। ये गर्म पवन है जो यूएसए और कनाडा में मेनली चलता है, ये चिनुक नामक गर्म पवन। नेक्स्ट बढ़ रहे 99 की तरफ कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवने प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, हिंद महासागर में। 100 और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, पृथ्वी का घूर्णन। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।